बट राइट ऑन सेइंग क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, मतलब यू आर टेकिंग टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स व्हिच आर हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एंड ऑन रिएक्शन विथ एंड ऑन रिएक्शन विथ ईच अदर बोल दू, आई मीन दे आर रिएक्टिंग विथ ईच अदर इन द प्रेजेंस ऑफ अगेन एक्वेस बेस. उस बेस में मेरे पास NaOH हो सकता था, KOH हो सकता था, Na2CO3 हो सकता था, बेरियम हाइड्रोक्साइड हो सकता था. ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है. पहले सिर्फ यही देता था हमारे टेक्स्ट बुक में, अभी इस बार तुम्हारे टेक्स्ट बुक ने ही लिख करके ये दिया है. देन इट फॉर्म्स अगेन अल्फा कॉमा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन. दे आर गिविंग मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स, सो दे आर प्रोड्यूसिंग फोर प्रोडक्ट्स. सेल्फ कंडेंसेशन में फर्स्ट वन इज क्रोटोनल डिहाइड, सेकेंड वन इज मेसिटाइल ऑक्साइड, थर्ड वन में क्या किया, एक साइड से ऑक्सीजन निकालो ऐसा और एक साइड से H2O निकालो. दूसरे वाले में फिर से कीटोन से हाइड्रोजन, एल्डिहाइड से ऑक्सीजन. सो दिस इज गिविंग फोर प्रोडक्ट्स. तो आई थिंक यहां तक हम लोगों ने किया था. इज देयर एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? बस नाउ कैनिजारो रिएक्शन, तो तुमको आइदर एल्डोल कंडेंसेशन आएगा या कैनिजारो आएगा, दोनों में से एक. एल्डोल आएगा तो कैनिजारो नहीं, कैनिजारो आएगा तो एल्डोल, ऐसा है. एल्डोल आएगा तो कैनिजारो नहीं, कैनिजारो आएगा तो एल्डोल नहीं. ओके चलो इधर देखो, लिखना बंद करो सभी लोग. मैंने यहां पर भी वैसे ही स्टेटमेंट लिखा, व्हेन टू मोल्स ऑफ एल्डिहाइड विच आर नॉट हैविंग अल्फा हाइड्रोजन. एल्डोल में क्या था, दे वर हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, बट हियर दे आर नॉट हैविंग अल्फा हाइड्रोजन. ओके, दे मस्ट नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन. ठीक है ना, दे मस्ट नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन. तो व्हेन टू मोल्स ऑफ एल्डिहाइड्स आर रिएक्टिंग विथ ईच अदर इन द प्रेजेंस ऑफ रिएक्टिंग विथ ईच अदर Each other in the presence of फिफ्टी परसेंट एक्वेस अल्कैली. जरूरी नहीं है कि NaOH हो, ठीक है ना. देन वन मॉलिक्यूल इज कन्वर्टिंग इनटू, वन मॉलिक्यूल इज कन्वर्टिंग इनटू वन मॉलिक्यूल इज कन्वर्टिंग इनटू एल्कोहल
एंड अदर मॉलिक्यूल इज कन्वर्टिंग इंटू एसिड. एक एसिड में कन्वर्ट हुआ और एक अल्कोहल में कन्वर्ट हुआ. तो मैं इसका को डायरेक्ट रिएक्शन लिख रहा हूं. मैकेनिज्म में हम लोग के सिलेबस में यहाँ पे नहीं है, बट मैं देता हूं करके. फिफ्टी परसेंट आइदर NaOH और KOH, सिंपली OH माइनस भी लिख सकता है तुमको. तो वन मॉलिक्यूल इज कन्वर्टिंग इनटू CH3OH, अनदर मॉलिक्यूल इज कन्वर्टिंग इनटू एसिड, और एसिड का मतलब हो गया सोडियम है. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो केमिस्ट्री में हम लोगों ने देखा था कि हाइड्रोजन से ज्यादा एसिडिक, हाइड्रोजन से ज्यादा अगर उस पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा तो हाइड्रोजन को रिलीज करेंगे. एस दिस इज सोडियम फॉर्मेट. सोडियम इथेनोइड, मिथेनोइड भी ले सकते हैं. This is methanol. This is methanol. तो कई बार तो मेरे पास यही है कि which of the following will give aldol or not, ऐसा करके. इसका तुमको दो मॉलिक्यूल वहां लिखेगा नहीं, तुमको अपने से समझना है. अदर मॉलिक्यूल विल बी कन्वर्टिंग इनटू अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल. दिस इज सोडियम और पोटेशियम, जो भी लिखना चाहो ऐसा करके. बेंजोएट, सोडियम और पोटेशियम बेंजोएट. तो अब मैं इसका मैकेनिज्म दे देता हूं, विच इज नॉट इन बोर्ड. नोट कर लिया सबने? यस सर. इसमें एसिड का फॉर्म एसिड है, तो एसिड ही है ना सोडियम वाला. डन. Yes, sir. अब नोट करना बंद करो. HCHO मॉलिक्यूल नंबर वन.
मॉलिक्यूल नंबर वन, जब ये इलेक्ट्रॉन अंदर आने को ट्राई करेगा तो ये यहां से ब्रेक हो गया, ठीक है। मैंने बोला कोई कुछ नोट नहीं करेगा, ये भी O माइनस और H प्लस में ब्रेक हुआ है, H O माइनस H और H, प्लस और माइनस, रेड वाला प्लस ब्लैक वाला माइनस ने मिल करके बॉन्ड बना लिया, ये रहा। बिकॉज ऑफ हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देन हाइड्रोजन इज लिबरेटेड, और अगेन वो आया यहां पर। नोट कोई भी नहीं करेगा, मैं बार बार मना कर रहा हूं। तो यहां का हाइड्राइड शिफ्टिंग इज आर डी एस, हाइड्राइड शिफ्टिंग इज आर डी एस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ऐसा कोई कॉम्पिटिशन नहीं है जहां पे नहीं आया है, ठीक है। तो ये हमारे ठीक है, सिलेबस में नहीं दिया है, बोर्ड में नहीं दिया है तो क्या हो गया, बट हम लोग करेंगे। नोट करो जल्दी से। अब डन। यस सर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट निकल करके आया, शिफ्टिंग ऑफ हाइड्राइड फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल इज स्लोएस्ट स्टेप, ठीक। सिंस वन मॉलिक्यूल इज ऑक्सीडाइज्ड, कैसे पता चला, इंक्रीमेंट इन ऑक्सीजन, देखो इंक्रीज इन ऑक्सीजन, वन मॉलिक्यूल इज रिड्यूस्ड, कैसे पता चला, इंक्रीज इन हाइड्रोजन,
That's why it is example of, yeah, that's why this is following, yeah, it is following, CDC baat hai, example kya? It is following disproportionation reaction. This is following disproportionation reaction. Done. Yes, sir. Done, sir. बहुत अच्छे से हमारे टेक्स्ट बुक में भी दिया है, ठीक है. मैकेनिज्म नहीं दिया है तो क्या दिया है, बट दिया है. मैकेनिज्म नहीं दिया है और सारी चीजें दिया है. चलो आगे बढ़ूं क्या मैं? Yes, sir. Yes. Yes, sir. तुम और भी ले सकते थे नो अल्फा हाइड्रोजन एनएओएच केओएच. क्या बनाएगा? वन मॉलिक्यूल अल्कोहल, अनदर मॉलिक्यूल एसिड. यहाँ पर ऐसा लगा दो बस, उससे क्या लेना देना देना. मुझे तो सी एच ओ से मतलब है. पोटेशियम ले लो अब. ऐसा एल्डोल कंडेंसेशन में क्या हो रहा था? वन मॉलिक्यूल से सीओ बॉन्ड ब्रेक हो रहा था, अनदर मॉलिक्यूल से एच निकल रहा था. दोनों प्लस माइनस को ले जाकर के मैंने ऐड कर दिया था. Here it is not containing alpha hydrogen. So one molecule is oxidized to acid, another is reduced to alcohol. तुमको कभी भी two molecules लिखने वाला नहीं, तुम अपने समझो. Now in our textbook, CBSE as well as स्टेट वर्ड क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन. व्हाट इज क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन? नाउ टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आर टेकन विच आर नॉट हैविंग अल्फा हाइड्रोजन. अब देखो दिस इज इंपॉर्टेंट वन. ध्यान से देखो, जिस पर OH मॉलिक्यूल अटैक कर रहा है वो एसिड बना रहा है. ये देख रहे हो, जिस पर OH अटैक कर रहा है, OH का मतलब न्यूक्लियोफाइल. अब बताओ तुम्हें, न्यूक्लियोफाइल मैंने ऑलरेडी करा करके दिया है कि which of the following या मैं बोला था arrange the following decreasing order of nucleophilic addition reaction. या हाँ सर. तो in this one OH minus that is nucleophile will attack on which one? Second one. Formaldehyde or formaldehyde? Formaldehyde maybe.
फॉर्मल्डिहाइड, अगर तुम लोग को याद हो मैंने पूरा लिखवा करके दिया है, देयर वर टू फैक्टर्स, एक होता था इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर प्लस आई माइनस आई, यानी प्लस आई इफेक्ट से डेल्टा निगेटिव चार्ज होता था विच विल रिड्यूस द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन, और इसमें तो रेजोनेंस में रहेगा, इसका पॉजिटिव चार्ज विल नॉट बी अवेलेबल, दैट्स व्हाई न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन स्मॉलर एल्डिहाइड फर्स्ट, हाँ या ना? यस यस सर। तो तुम अब लिख सकते थे कि जो स्मॉलर वाला है विल बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट, OH माइनस, क्योंकि ये मैकेनिज्म से पता चल रहा है, OH माइनस विल अटैक ऑन स्मॉलर एल्डिहाइड फर्स्ट, सो smaller will form acid, समझा क्या? Yes sir. Yes. तो अब जहां पे तुमने H रखा है, अच्छा N हो गया है, KOH रखोगे तो K आ जाएगा, Na रखोगे तो N हो जाएगा, Yes or No? Yes, sir. अभी भी किसी को प्रॉब्लम है तो बोल सकता है। अगेन मैं यहां पे लिख देता हूं, नॉट इन बोर्ड, कौन सा? इंट्रा मॉलिक्यूलर, मैं ये बाद में कर रहा हूं, चलो अच्छा लिख दिया, तो इंट्रा मॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन, क्योंकि इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्डोल भी होता है, वही आता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ज्यादा। बेंजीन में रखने से ऐसा लगता है कि वहां पे अल्फा हाइड्रोजन है, बट है ही नहीं, यहाँ का कार्बन इज फॉर्मिंग फोर बॉन्ड ऑलरेडी, नो हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, तो इसका एक मॉलिक्यूल CHO का क्या हो जाएगा, KOH ले लो तो K हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा CH2OH within the molecule, yes or no? Yes sir. तो एक साइड Na लिया है तो Na आएगा, दूसरी साइड ऐसा रहा, कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकते हो ऊपर नीचे CH2OH ऐसा रख कर करके, तो लास्ट वाला बाय द वे IIT में आया बट करा दिया हमने,
तो ठीक है, ये नहीं है तो क्या हुआ, बट कभी ना कभी तो मिलेगा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में खूब मिलता है। डन एवरीवन? यस सर। नाउ द नेक्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ाई है, हम लोगों ने, अगर तुमने आर सी एच ओ रखा, ये तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फेलिंग सॉल्यूशन, ठीक है, हेलोफॉर्म टेस्ट, इन सब से भी सी ओ एच में कन्वर्ट हो जाता था। अगर तुमने स्ट्रॉन्ग रखा तब तो कोई बात ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, आर सी ओ ओ एच। तुमको इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑल दिस, दे मे राइट ऐसा, नेसेंट ऑक्सीजन लिख सकते हैं हम लोग, है ना। तो प्राइमरी व्हेन एल्डिहाइड इज रिएक्टिंग विथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो लोग कंटिन्यूअस क्या सप्लाई करें, ऑक्सीजन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक के टू सी आर टू ओ सेवन एच एन ओ थ्री के एम एन ओ फोर और सी ओ सी ओ सी आर ओ थ्री, देन इट फॉर्म्स कार्बोक्सिलिक एसिड। डन का? यस सर। डन सर। यस सर। चलो आ जाओ। नाउ इफ यू आर टेकिंग कीटोन, ये तो एल्डिहाइड के लिए हो गया, थोड़ी देर के लिए लिखना बंद करो सभी लोग, मैंने बोला लिखना बंद करो, ये ब्रेक हो करके एच सी ओ ओ ओ ओ देता रहेगा तब तक जब तक कि वो एसिड ना बन जाए, दूसरा वाला एच सी ओ ओ एच बना but this is finally converting into CO2. क्यों पता है? ये देखो, ऐसा टाइप का जितने भी हैं सबको ब्रेक करता जाएगा ये,
सबसे वीक सी एच बॉन्ड ही रहेगा तो उन सबको ब्रेक कर देगा, एक कार्बन पर दो एच स्टेबल नहीं होता है तो एच टू ओ निकला, दैट इज CO2 बन गया। तो तुमको फॉर्मिक एसिड लिखा हुआ नहीं मिलेगा प्रोडक्ट में, लेकिन मैंने बोला कोई नोट नहीं करेगा। Now you are having two roots. Root number one, CH3C double bond O O O O continuously provide करेंगे। CH3CH है, वहां पर भी दो दो bond रहेंगे, उन सबको भी break कर दिया। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा ऐसा break हो, मतलब थ्री प्लस वन एंड टू प्लस टू, सीओ इसके साथ आया ऐसा, तब ये सीओ टू बनाएगा थ्री प्लस वन पे। अब बोलो कौन सा बनाए, इसमें हमको और ज्यादा समझ में आएगा, ये लो समझ रहे हो, टू प्लस फोर और ऐसा ब्रेक हो, बोलो लेफ्ट वाला या राइट वाला? I think sir लेफ्ट वाला। तो कुल मिला करके एक होता है पॉप ऑफ रूल, क्या नाम दिया मैंने, हमारे बुक में प्रोडक्ट तो दिया है बट रूल का नाम नहीं दिया है, तो मैं तुमको बता दूं दिस इज कॉल्ड एज पॉप ऑफ रूल। पॉप ऑफ रूल क्या बोलता है, स्मॉलर कार्बन अल्काइल विल कंटेन सीओ ग्रुप, सीओ ग्रुप को वो लेकर के जाएगा, समझा क्या? यस सर। पहले वाला तो किधर से भी ब्रेक कर दो, बट दूसरे वाले में क्या होगा, टू प्लस टू, समझा क्या? यस सर। नीचे वाले में क्या बनेगा बताओ, नीचे वाले में टू प्लस फोर, तो फोर वाले में COOH हो गया एंड टू वाले में भी OOH हो गया। नहीं समझ में आया, टू ऐसा है, ब्रेक करो इसको, दो ऑप्शन हो सकते थे, एक दो तीन, एक दो या इधर से एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पांच। सीओ क्या हो सकता था, वन टू के साथ जा सकता था, वन टू थ्री, तो अगर वन टू थ्री आया, वन टू थ्री, थ्री पर सीओ है तो उधर कितने बच गए, चार कार्बन, लेफ्ट साइड में क्या हो सकता है कि फाइव प्लस टू हो जाए, हाँ या ना? यस सर। अगर फाइव प्लस टू हुआ तो पॉप ऑफ रूल के फॉलो नहीं कर रहा है ना, समझा क्या? निदिता, वो रूल क्यों नहीं फॉलो करे,
कौन सा, हमेशा ऐसे ही प्रोडक्ट बन रहा है ना, हमेशा ऐसे ही प्रोडक्ट। हाँ वो फाइव और टू कार्बन वाला रूल क्यों नहीं फॉलो कर रहा हूँ, पॉपअप रूल। मैं वही तो बोल रहा हूँ, क्या होता है कभी कभी कुछ चीजें प्रैक्टिकली डिराइव होती है, तो प्रैक्टिकली जितना भी एक्सपेरिमेंट कर करके कर देख रहे हैं तो हम लोग कैसा हो रहा है कि स्मॉलर वाला के साथ ओ जा रहा है, सीओ ग्रुप जा रहा है, समझा ना, इसलिए बिगर वाला कार्बन को फॉलो नहीं कर रहा है जो तुम बोल रहे हो। कुछ चीजें प्रैक्टिकली होती है, ये प्रैक्टिकल टाइप का है कि ऐसा होता है, समझा क्या? यस सर। और बोलो जिसने पूछा था कि सर ऐसा क्यों नहीं हो रहा, वेदांग। हाँ याना। यस। कुछ चीजें प्रैक्टिकली डिराइव्ड होती हैं, जैसे मैंने बनाना बॉन्डिंग का हमने बोला कि उसका होना चाहिए था कैसे, उसका बाद में देखा तो बनाना टाइप का स्ट्रक्चर आ रहा है। बैक बॉन्डिंग में जा करके हमने देखा कि उसका स्ट्रक्चर आना चाहिए कैसे, बटपटला बैक साइड से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके कर रहा है, तो कुछ चीजें प्रैक्टिकली हमको डिराइव करनी पड़ती है, समझा क्या? इंटरफेरेंस अभी ऐसे ही प्रैक्टिकली अभी मुझे फ्यूचर में मिलेगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखने में लग रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या हो रहा है बट एक्चुअली में क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है टाइप का। तो कीटोन, व्हेन कीटोन इज हीटेड विथ स्ट्रॉन्ग, आई सेड स्ट्रॉन्ग, ठीक, तो दे आर प्रोड्यूसिंग मिक्सचर ऑफ एसिड्स। अब नोट कर सकते हैं, नोट करो, सीओ ग्रुप किसके साथ रहेगा, स्मॉलर अल्काइल ग्रुप के साथ रहेगा, स्मॉलर अल्काइल ग्रुप विल कंटेन ऑक्सी ग्रुप। मतलब दोनों स्मॉल होने चाहिए ना? दोनों नहीं, दोनों कैसे स्मॉल होगा, तब तो एक बड़ा हो जाएगा एक छोटा हो जाएगा ना। अभी इस साइड में जो बॉटम वाला क्वेश्चन है ये वाला, इसमें देखो स्मॉलर सीओ ग्रुप को पकड़ो, सीओ ग्रुप के राइट साइड वन कार्बन, लेफ्ट साइड फोर कार्बन, तो किसके साथ जाएगा सीओ, वन कार्बन वाले के साथ, नहीं समझा? स्मॉलर अल्काइल ग्रुप विल कंटेन सीओ ग्रुप, नोटेड। यस सर। यस सर। बहुत अच्छा, मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छा कर दिया है, दिस इज ऑलरेडी गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, लास्ट ईयर नहीं था।
तुम्हारे बुक में टेक्स्ट बुक में वो अलग बात है कि सारे प्रोडक्ट्स रॉन्ग लिखे हैं, बट कोई बात नहीं। चलो एक और भी कर लेते हैं जो ऐसा टाइप का होगा। अब बोलो स्मॉलर किस साइड कार्बन, लेफ्ट साइड या राइट साइड? मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि तुम लोग ऐसा रख दो ना ताकि तुमको ये लगे कि ऑक्सीजन किसके पास गया, डाइल्यूट H2SO4 के साथ रख करके। स्मॉलर ऊपर से या स्मॉलर नीचे से? ऊपर से। ऊपर से। तो ऊपर वाला विल कंटेन व्हाट? CO। समझा क्या सर? ये नहीं समझ में आ रहा, मतलब एक खास इस OH CO ग्रुप अटैच। बाबा इधर चलोगे तो 1 1 2 2 पर मिथाइल है ना, तो ज्यादा कार्बन हो गया इधर। नहीं समझा? नहीं। अरे तुम इधर से पकड़ के चल, एक लड्डू इधर रखा, एक लड्डू इधर। अभी सिमेट्रिकल है नहीं है? Yes। अब एक कार्बन को 2000 का नोट मान ले, एक इधर है 2000 का नोट, एक इधर 2000 का नोट, बट इधर एक्स्ट्रा नहीं हो गया? Yes सर। तो इधर कार्बन ज्यादा है ना? Yes सर। तो जिधर कार्बन ज्यादा है उधर CO ग्रुप नहीं रहेगा। Got it, sir। सॉरी स्क्रीन हम लोग का थोड़ा गया था। चलो आ जाओ, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स।
separate heading. ओके एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का रिडक्शन हम लोग ले रहे हैं. दिस इज ऑलरेडी डन, फ्यू पार्ट इज ऑलरेडी डन इन एल्कोहल. ठीक है, कुछ तो इसका पार्ट एल्कोहल में हुआ है, कुछ जो नहीं हुए हैं वो मैं करके देता हूं. ठीक है, पहला मैंने लिया, पहले जो बुक्स में दिए हैं वो हम लोग करके देखते हैं. अच्छा, ये भी देखो पेयर में आते हैं. कैसा पेयर? एल्डोल आएगा तो कैनिजारो नहीं आएगा, कैनिजारो आएगा तो एल्डोल नहीं आएगा. वैसे ही क्लीमेंसन रिडक्शन है एंड ओल्फ किस्नर रिडक्शन है. तो क्लीमेंसन आएगा तो ओल्फ किस्नर नहीं, ओल्फ किस्नर आएगा तो क्लीमेंसन नहीं, ऐसा. बट कोई ना कोई एक आता रहता है. तो क्लीमेंसन रिडक्शन एक्चुअली में क्या है, और ये मैं ब्लाइंड फोल्ड बोल दूं, मुझे याद करके रखो. चलो आ जाओ, तुमने आइदर एल्डिहाइड और कीटोन कोई भी ले लो. मैंने लिया, तुमको बुक्स वगैरह में ऐसा बोल रहा है क्योंकि बुक्स में डायरेक्ट दिया है, थोड़ा सा मैं तुम लोग को समझा दूंगा. अब देखो, दिस इज कॉल्ड ए जिंक जेडन एच जी जिंक अमलगम. इसने जेडन एच जी के साथ बॉन्ड नहीं बनाया है, वो एच जी में प्रेजेंट है, सोल्यूशन भी नहीं है बट लिक्विड फॉर्म में है ना, क्योंकि इसकी विस्कोसिटी इज हाई मर्क्यूरी की. एंड मेटल मेटल दे विल नॉट ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन. तो जेडन इज प्रेजेंट इन टू एच जी. नाउ यू आर एडिंग एच सी एल, कॉन्सेंट्रेटेड एच सी एल. ध्यान से देखो फिर से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, अगर याद हो कुछ तो आइडिया दिया था मैंने याद करने का, कि ली के बाल काले नहीं, एलिसा जानकर, कुछ तो याद है वैसा. तो जेडन हाइड्रोजन के ऊपर होता था. आई मीन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जेडन इज ग्रेटर देन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, दैट्स व्हाई दे विल लिबरेट हाइड्रोजन. समझा क्या? दे विल लिबरेट हाइड्रोजन, जिसको नेसेंट हाइड्रोजन लिखा है ऐसा. ऐसा हो गया. ओके, दे विल लिबरेट हाइड्रोजन, दे विल लिबरेट हाइड्रोजन, दे विल लिबरेट हाइड्रोजन. CO इज कन्वर्टिंग इनटू CH2. CO इज converting into CH2. Zinc amalgam on reaction with concentrated H2SO4. Now nascent oxygen, sorry, nascent hydrogen. वो तो hydrogen hydrogen जोड़ देगा बस. Either aldehyde, either ketone. तो अब मैं स्टेटमेंट लिख सकता था. अब इसको तुम चाहो तो लिखो, चाहो तो पहले स्टेटमेंट लिख लो. द मोस्ट इंपॉर्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू बोर्ड एग्जाम एल्डोल एंड एल्डोल कैनिजारो एंड क्लीमेंसन, और एक और आने वाला है. वो नॉर्मली रिएक्शन कैसे आते हैं, एक एरोमेटिक रिंग का रिएक्शन रहता है और एक एलिफेटिक का रहता है. बोर्ड एग्जाम में, CBSE बोर्ड में दो नेमिंग रिएक्शन फिक्स होते हैं, स्टेट बोर्ड में 3-3 करके देते हैं. राइट डाउन शॉर्ट नोट्स करके
1111 मार्क्स के तीन नेमिंग रे, नेमिंग रिएक्शन मतलब साइंटिस्ट के नाम पर। तो लिखो व्हेन एल्डिहाइड और कीटोन्स आर रिएक्टिंग विथ जिंक अमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl देन CO ग्रुप, CO का मतलब क्या हो गया कार्बोनिल ग्रुप, is converted into CH2. So this is method of preparation of alkane. वहां पे इसलिए नहीं कराया गया था क्योंकि बहुत आगे का चैप्टर था. So please write with example. Clemmensen reduction, the most important for board perspective. सर वो CH2 में कैसे कन्वर्ट हुआ वो नहीं समझ रहा है कहां पर। अरे एक मिनट, हाइड्रोजन है OH नहीं है, समझा क्या? ओके सर, नेसेंट हाइड्रोजन है ना, नेसेंट हाइड्रोजन पहले वो OH में होंगे जो मैंने लिखा था, फिर वहां से OH के ऊपर H आएगा, फिर वहां से H2O बाहर निकला। कैसा टाइप का रहेगा? समझा क्या? OH बाहर आ गया तो, बट इन सब की जरूरत नहीं है। सॉरी, CO इज कन्वर्टिंग इनटू CH2 लिखा तो है, बट ऊपर हमने अल्कोहल लिख दिया था। वीक रिड्यूसिंग एजेंट रखोगे तो अल्कोहल, देखते हैं। डन का सर, और वो एल्डिहाइड में CH3 में हुआ है। कहां पर CH3 है? तो CH3 ही तो है। RCH3 सर, वो CH3 कहां?
जिंक अमलगम चलो नेक्स्ट वन उसके बाद में अच्छा रिएक्शन का एग्जांपल तो कुछ लिख लो दैट वाज इन जनरल जेडन एच जी कॉन्सेंट्रेटेड एच सी एल डन यस सर जेडन एच जी चलो मैं ऐसे ही रिएक्शन को तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए प्रोसीड करा रहा हूं चलो जल्दी से बोलो ऐसे प्रैक्टिस होगा तो मुझे समझ में आता है एक चैप्टर एक प्रॉब्लम में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे मर्ज करते हैं ए क्या होगा ए कौन सा रिएक्शन है क्लेमेंसन रिडक्शन क्या बन गया Cl2H new क्या करेगा मोनो हैलोजिनेशन कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है फ्री रेडिकल RDS क्या होता है इनिशिएशन प्रोपोगेशन या टर्मिनेशन प्रोपोगेशन वेरी गुड अरे बेटा ये सब तुमने याद करके रखा तो तुम्हारा तो आधा का आधा काम ही बन जाएगा रे डाइल्यूट H2SO4 दिल से रिएक्शन हुआ OH- रिप्लेस करेगा किसको Cl- न्यूक्लियोफिलिक या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक SN1 और SN2 SN2 And why SN1? वेदांत SN1 बोल रहे हैं क्यों? सर सेकेंडरी है इधर सो SN1 होगा। सेकेंडरी तो SN2 देता था प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्राइमरली SN2 देते थे। तुमने SN1 बोला है। But this is strictly SN1. Why? Resonance. Benzyl carbocation will be in resonance. समझा क्या? Yes. हाँ याना हाँ सर बस फिर क्या है पीसीसी से रिएक्शन करोगे क्या बना देगा कीटो बस अरे कहाँ गया
हाँ विल फॉर्म कीटोन। अब बोलो किसी को डाउट है? देखेंगे 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 हम लोग पूरी केमिस्ट्री को। अगर मैं ऐसे ही 50 प्रॉब्लम ले लूं तो 50 बार रिवाइज हो जाएगा। और किसी को अच्छा प्रॉब्लम बनाना है तो एल्डिहाइड कीटोन में आना ही पड़ेगा। ठीक है, इसी पर चाहो तो, इसी पर चाहूं तो मैं क्या कर दूं, उसका खड़ूस भाई डाइल्यूट का कंसंट्रेटेड क्या करता है? डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन एलिमिनेशन। गलती से इसी का ओजोनोलिसिस कर दिया, देख रहे हो? तब तो ये बहुत टफ हो जाएगा। टफ क्या हो जाएगा, मतलब बेंजीन रिंग को भी क्या करेगा, ये बेंजीन रिंग को भी क्या करेगा, ब्रेक करके 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 OSCHO AO लगाना स्टार्ट कर देगा। याद आया तू? यस। हाँ तो जब करेंगे ना, बट थोड़ा सा देर के बाद। हाँ भाई आगे चलो, रिडक्शन में ही। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड NaBS4। ठीक है, हमारे टेक्स्ट में नहीं दिया है, बट ये बहुत पहले हमने पढ़ लिया है अल्कोहल चैप्टर में। दे आर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग, सॉरी दे आर माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। NaBS4 का नाम क्या था? NaBS4 का नाम क्या था? सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये थोड़ा सा मैंने जानबूझ करके टफ बना दिया। अब बोलो दे आर वीक रिड्यूसिंग एजेंट, तो सिर्फ डबल बॉन्ड को ब्रेक ब्रेक करके करेंगे। बाबा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड पता चला है? देखो इधर देखो। हाँ बोलो बोलो, कुछ बोलना चाह रहा कोई? H की जगह डी ऐड, ये देखो O पर माइनस एंड कार्बन पे प्लस। अब प्रॉब्लम ये है, एसिड वाले पार्ट से क्या आ रहा है? H प्लस। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से क्या आ रहा है? H माइनस। H माइनस, तो बस माइनस आएगा तो किसके पास जाएगा? अब समझा? अगर कभी बहुत 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 टफ बनाया तो। उसी में मैंने क्या ले लिया, जेडन HG कॉन्सेंट्रेटेड HCl। जल्दी बोलो ओके जगह CH2 आ जाएगा। क्या बना लिया? टॉलविन। तो ओल्फ एल्डोल का पैरेलल इज कैनिजारो, दोनों एक साथ नहीं आते हैं। जब भी आएगा आइदर वन, वैसे ही क्लेमेंसन का पैरेलल वन इज ओल्फ किशनर रिडक्शन।
तो रिडक्शन वाले में पहला मैंने क्लेमेंसन ले लिया, दूसरा ऐसा ले लिया, तीसरा ऐसा ले लिया। चलो आ जाओ, इसमें भी वैसा ही है, आइदर यू आर टेकिंग एल्डिहाइड और यू आर टेकिंग कीटोन। व्हेन इट इज रिएक्टिंग विथ हाइड्राजीन, तो पहला रिएक्शन क्या हो गया, कुछ याद आया? आर एन एस टू जेड, ये क्या है, हाइड्रा, बोलो हाइड्राजीन। प्रोडक्ट क्या बना, हाइड्राजोन, हाइड्राजोन। अभी हाइड्राजोन बना है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। चलो इधर देखो, बाद में लिखो, बाद में लिखो। KOH रिया है एंड इथाइलिन ग्लाइकोल, बेस है उधर, हाइड्रोजन है, तो दे विल लिबरेट हाइड्रोजन और बाद में वो फिर से NH2 बन गया तुम्हारा, यानी वो N2 बना। तो मैंने लिखा कि व्हेन एल्डिहाइड और कीटोन इज रिएक्टिंग विथ हाइड्राजीन, in the presence of alcoholic KOH, and on heating produces एल्केन। प्लीज राइट डाउन। Done. Done, sir. Done, sir. हा हा हा, तो एग्जाम्पल ले लो ना। N2H4 लिख सकता था या NH2 लिख सकते थे। एंड ऐसा इथाइलिन ग्लाइकॉल के प्रेजेंस में लिया, नहीं तो अलग अलग स्टेप में करके जाओ तुम्हारे टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग, ऐसा बना, बड़ी अच्छी बात है। इंटरमीडिएट की बात कर रहा है, तो पहला रिएक्शन ADE है। व्हाट इज ADE? एडिशन, एलिमिनेशन।
यस तुम्हारा टेक्स्ट बुक इतना अच्छा कैसे बना सकता मेरे ये नहीं समझ आ रहा है। टीचर्स का काम बढ़ा दिया है, जो लोग टेक्स्ट बुक पढ़ाते थे ना अब वो लोग टेक्स्ट बुक पढ़ाए। तुम जा करके उनके नोटबुक उठा करके देखो, आज भी वही पढ़ा रहे हैं जो उन्होंने 20 साल पहले पढ़ाया। क्योंकि वो पता है कुछ टीचर ऐसे हैं जो एलडीआर किट उनका 10 पेज का नोट देते हैं, 10 पेज में क्या है उनका ब्लैंक पेज है, ऐसा एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, नीचे जगह खाली है, वो पढ़ाएंगे बोलेंगे तुम अपने से लिखो, तुमने लिख लिया याद हो गया, कैनिजारो रिएक्शन हो गया, ऐसा स्पेस छोड़ छोड़ करके आज उनका 20 साल से वही नोट चला आ रहा है, आज भी वही चल रहा है ऐसा। अपना मयूर कॉलोनी जिंदाबाद, नीट में 100 क्रॉस भी नहीं किया है नीट में, एक दो लोगों को छोड़ करके। चलो 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 प्लीज नोट डाउन, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये डायरेक्ट लिखेगा, सारे एक में ही लिख देगा। डन तो अब सारे डिडक्शन को मैं एक जगह समराइज कर देता हूं। जेडन एच जी कॉन्सेंट्रेटेड एच सी एल एन टू एच फोर के ओ एच एंड इथाइलीन ग्लाइकॉल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड NaBH4 है NaBD4। चलो जल्दी जल्दी बता दो बेटा, अच्छा जल्दी करो। सर पहले दो में साइक्लोहेक्सेन फॉर्म करेगा और दूसरे लास्ट दो में साइक्लोहेक्सेन। तो फर्स्ट वाले में क्या बनेंगे,
साइक्लोहेक्सेन, सेकेंड वाले में क्या बनेंगे, साइक्लोहेक्सेनॉल, हाँ है ना? यस सर। बात ये है, उससे भी अच्छी बात ये है कि अगर तुमने ऐसा रखा, ये क्या करेगा, वीक रिड्यूसिंग एजेंट, डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड क्या, डन सर, स्क्रीन थोड़ी ऊपर लेंगे क्या? डन सर। डन अच्छी बात है। तो ये हमारा रिडक्शन पार्ट खत्म होता है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है तो बोल सकता है, बोलो। नो सर। इसमें मैंने एक नहीं लिया है, द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इज रेड फॉस्फोरस एंड HI। अगर तुमने हीट किया उसको कुछ भी नहीं दिखाई देता है और वो डायरेक्ट एल्केन से बात करता है, समझा क्या? यस सर। यस सर। तुमने H2NI रखा, ये भी कुछ ऐसा है लेकिन एल्कोहल बनाता है, इसी में H2NI लिया तो ऐसा किया, चलो नेक्स्ट हेडिंग में लिखता हूं कार्बोक्सिलिक एसिड्स। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, उसी में ही हम लोग के टेक्स्ट बुक में एक साथ करके दिया है, बट मैं तुम लोग को थोड़ा सा अलग करके सेपरेट टॉपिक करवा रहा हूं बस। ठीक, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसका नेमिंग की मैं बात करूं तो क्या होगा, ऐसा करके RCOOH, एक कार्बन लिया तो एल्केनोइक एसिड, दिस इज एल्केनोइक,
तो एक कार्बन हुआ तो मीथे नोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। अब तुमको प्रोपियोनिक एसिड लिखेगा, फॉर्मिक एसिड लिखेगा, बिकॉज इट इज डिराइव्ड फ्रॉम फॉर्मिका, फॉर्मिका का मतलब एंट। चींटी काटती है तो दर्द होता है बहुत तेज, क्योंकि वो एसिड स्प्रे करती है। दिस इज एसिटिक एसिड, चलो चार कार्बन होगा तो ब्यूट, ब्यूट ब्यूट से समझना, ब्यूटायरिक एसिड बोलेगा वही चीज है, ब्यूटेनिक एसिड बोलेगा वही चीज है। नीचे वाले का नाम बोल, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जैसे ऐसा नेमिंग मैंने करना बताया था ना, याद है? जैसे साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। बोलो भाई इसका नाम क्या होना चाहिए? थ्री मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। आईयूपीएसी नेमिंग इज थ्री मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, बट अगर याद हो हम लोग आइसो नियो भी वर्ड यूज करते थे, नियो पेंटेनोइक एसिड बोल सकते थे, है ना? आइसो पेंटेनोइक एसिड। ये क्या हो जाएगा? अक्राइलिक एसिड या फिर प्रॉप टू इन ओइक एसिड। नोट कर रहे हैं क्या साथ में? यस सर। क्योंकि ये तो कोई बहुत बड़ा हेडेक तो नहीं है, दिस इज सिंपल वन, ऑलरेडी हम लोगों ने सभी जगह किया है। नाउ दिस इज बेंजोइक एसिड, ये क्या हो जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू COH इज पैरा, पैरा टॉल्विक एसिड, पैरा टॉल्विक एसिड। 1 2 3 4 4 मिथाइल
बेंजोइक एसिड. समझा क्या? यस सर. चलो आईयूपीएसी में ज्यादा टाइम नहीं देते हैं. आइसोमेरिज्म इन्वॉल्व. पहला मैंने क्या लिया? चेन आइसोमेरिज्म, नॉट बिकॉज ऑफ COOH. ये तो कहीं पर भी हो सकता है ब्रांचिंग करके, है ना? ये खुद हाईएस्ट ग्रुप है इसलिए पोजीशन तो इसी के रेस्पेक्ट में ही होगा. तो पोजीशन नॉट बिकॉज ऑफ COOH. पोजीशन बिकॉज ऑफ CH3. यस और नो? यस सर. फंक्शनल आइसोमेरिज्म. एसिड का एस्टर हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं, बट अभी सिर्फ ऐसा ही लिख दिया. तुमको और बहुत अच्छे से कंपटीशन लेवल का करना है तो मैंने बोला एक डबल बॉन्ड है, लेकिन ये किसने बोला कि डबल बॉन्ड वहीं पर होगा? कहीं पर भी हो सकता है. वन डबल बॉन्ड वन रिंग के बराबर भी होता है. जहां एल्कोहल है वहां पर ईथर हो सकता है, ऐसा बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं. और नंबर ऑफ कार्बन हो तो उसमें एल्कीन बना डालो. जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है वो डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के साथ ब्रेक करके लेकर के जाओ. बट तुमको एसिड का एस्टर जो कॉमन है, प्रोपेनोइक एसिड नीचे क्या हो गया? मिथाइल इथेनोएट. समझा क्या? यस सर. मेटामेरिज्म ये शो नहीं करेगा क्योंकि उसके राइट साइड में एच है. मेटामेरिज्म वही शो करते हैं दोस फंक्शनल ग्रुप विच आर हैविंग कार्बन लेफ्ट साइड एंड राइट साइड टू द फंक्शनल ग्रुप. समझा क्या? यस. टॉटोमेरिज्म शो करेगा नहीं. टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा.
टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा. इसलिए हम लोग आते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन. मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस मैंने लिखा फ्रॉम एल्कीन. क्या करो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रख दो. इन द प्रेजेंस ऑफ एच प्लस तो हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड. कोई मुझे बताएगा क्या अगर मैं कोल्ड एंड डाइल्यूट के मैंने फोर लूंगा तो क्या हो जाएगा? बोलो. बेयर्स रिएजेंट जैसा काम करेगा. बेयर्स रिएजेंट हो जाएगा. कोल्ड एंड डाइल्यूट एच2एसओ4 लिया तो यहाँ पे हॉट हीट कर रहे हैं. कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ एच2एसओ4 नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा और वो तो कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक करके पहले H लगाएगा. बट कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है इसीलिए ऐसा बनाया. आर अगल अलग अलग रखते हो तो अलग अलग रख लो. हाँ या ना, यस और नो? यस. तो मैंने लिखा व्हेन एल्कीन इज ट्रीटेड विथ concentrated KMnO4 in the presence of H2SO4 and on strong heating produces mixture of acid. ऐसा मैंने बोला कट करो, बीच बीच में लड्डू पकड़ाते जाओ. जस्ट लाइक ओस्मोलिसिस में एक होता था. ओस्मोलिसिस में लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, यहां पर कंटिन्यूअस. हाँ या ना?
बोलो भाई। यस सर। दिस इज कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। दिस इज कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। सर मल्टीपल डबल बॉन्ड्स रहेंगे तो सबको सबको तोड़ेगा ना? सबको करेगा, जहां से होगा सबको ब्रेक करता जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड होगा तब पर भी यही होगा। So this is R COOH, R prime COOH. चलो इसका प्रोडक्ट बना करके दिखा दो सब लोग। कोल्ड एंड डाइल्यूट लूंगा तो बेस रिएजेंट, उसी को हीट करके दिया कंसंट्रेटेड के फॉर्म में तो वो ट्रिपल बॉन्ड। ध्यान से देखो CH3 CH2 COOH, ये वाला HCOOH बनाएगा। बट मैंने तुम लोग को बताया था will be converting into what? CO2. बन गया? यस सर। बोलो सेकंड वाले का। बोलो इथेनोइक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड। बस इथेनोइक एसिड एंड प्रोपेनोइक डन। फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। कैसे?
वो तुम लोग को पता है। कितना सीएल लगाना चाहिए मुझे? तीन तीन। अगर तूने दो लगाया तो एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा, तीन लगाएगा तो एसिड बनेगा। डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन करा हुआ, दिल से रिएक्शन हुआ, क्या बनाया? सीएल इज रिप्लेस्ड बाय OH। एक कार्बन पे दो OH स्टेबल नहीं होते, यहाँ तो तीन तीन है, तो क्या हो गया? तो जो मैंने इंटरमीडिएट लिखा है वो कहीं पे लिखते नहीं है, डायरेक्ट एसिड बनाएंगे। बट मैं बता रहा हूँ क्या होता होगा, यू कैन डायरेक्टली राइट द प्रोडक्ट। तो मेरे पास ऐसा प्रॉब्लम ऑलरेडी आया हुआ है, बट एल्डिहाइड बना करके पूछा था नीट 2020 में। तो एसिड बनाना है, एसिड बनाना है तो कितने सीएल लगने चाहिए थे बोलो? तीन। तीन। दो दो लगता तो क्या बनता? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड और कीटोन। Yes। तो यही पूछा था नीट 2020 में, जो मैं अब लिख रहा हूं। उन्होंने पूछा था बी क्या था, इसका मतलब है बी के ऊपर क्या रहा होगा? दो सीएल। तो कहने का मतलब है कि जैसा रिएक्शन देगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रोसीड करेंगे। आया ना? यस सर। यस सर। अभी भी किसी को प्रॉब्लम है तो बोल दो। अभी भी किसी को प्रॉब्लम है तो बोल दो। ऐसा इसका स्टेटमेंट लिखना है क्या इन सब का? बोलो। मेरी आवाज आ रही है क्या? यस सर। यस सर। यस सर। तो मुझे बोला इसका स्टेटमेंट लिखना है क्या? यस सर। चलो लिखो। ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राई हेलोएल्केन on hydrolysis of trihaloalkane it will produce carboxylic acid। डन का? यस सर। नेक्स्ट लिखा फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ
कोहल लिखो, हेडिंग लिखो फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल कॉमा एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो वो भी हम लोगों ने देखा है, प्राइमरी अल्कोहल लोगे इट विल फॉर्म एल्डिहाइड फर्स्ट, बट वहां रुकता नहीं था, विल बी कन्वर्टिंग इनटू एसिड। तुम्हें लोग बताओ प्राइमरी अल्कोहल को एसिड पे रखना है तो कहाँ पे लेना चाहिए, कौन सा रिएजेंट लेना चाहिए? KMnO4। नो, KMnO4 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, विल बी कन्वर्टिंग इनटू एसिड। Alcohol should be stopped at aldehyde position. PCC. याद आ रहा है? Will be further converting into what? Acid. अगर तुमने कोई भी एल्डिहाइड लिया कोई बात ही नहीं है, बट अगर कीटोन लिया तो क्या करना पड़ेगा, कौन सा रूल लगाना पड़ेगा? पॉप ऑफ रूल। एम्स में हमारे पास ऑलरेडी आया हुआ है, आईआईटी की बात ही छोड़ दो, और एम्स में आने का मतलब है कि नाउ इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड। Done? Yes, sir. ये ऑलरेडी हम लोगों ने दो दो बार तीन तीन बार अल्कोहल में भी लिखा है, एल्डिहाइड में भी लिखा है, तो मैं ये स्टेटमेंट ना लिखूं तो चलेगा क्या? या मैं बोलो तो मैं लिख कर, यस सर चलेगा। चलो नेक्स्ट मैंने लिखा फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ फर्स्ट लिखा, एसिड हैलाइड, RCOCl, क्या करो? डाइल्यूट H2SO4, दिल से रिएक्शन क्या करेगा? कहीं पर इंप्योरिटी दिख रहा है क्या? Cl है impurity. तो ब्रेक कर दो, अगर तुमने ब्रेक किया तो क्या आया Cl को हटा करके? OH. नहीं समझा? बोलो
समझा सर. फ्रॉम एल्काइल साइनाइड. उस दिन बोला था अगर यहां पर तीन तीन बॉन्ड होंगे साइनाइड में, क्या करो? डाइल्यूट H2SO4 या क्या ले लो, एक्वेस एनएओएच केओएच, तीनों बॉन्ड को ब्रेक करेंगे. ये देखो तीन तीन OH आ गया. तो ये वाला मैं चाहो तो नहीं लिखूं, ये मेरे अपने समझने के लिए है. ठीक, यस और नो? यस यस. देख लो, अगर मेरा अच्छे से बॉन्ड ब्रेकिंग आ जाए तो इमीडिएटली हम लोग का काम हो सकता है. इसलिए तुमको सभी जगह डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखेगा. नहीं सर? सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करेंगे प्लीज. डन सर. अगर तुमको यहां लगता है ना तो तुम चाहो तो ऐसा लिख दो, एसिड डेरिवेटिव्स. एनहाइड्राइड में कहीं पर इंप्योरिटी दिख रही है क्या? RCOO- तो RCOO पे क्या जाएगा? OH. दूसरे पे क्या आ गया? O है तो सिर्फ H गया, HNOH. Thank you.